नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को ट्रेन में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूँ दोस्तों साथी। तो दोस्तों आज आप हेडिंग बना लीजिए, जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। और देखिए दोस्तों आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खम्भे को पार करती है और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ये चार ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए RRBJEE 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाएंगे कैसे। मान लीजिए दोस्तों साथी ये कोई रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है दोस्तों, ये रेलगाड़ी जो है दोस्तों, देखिए दोस्तों पहले एक खम्भे को पार करती है 20 सेकंड में। इसका मतलब T1 का मान क्या दिया गया है दोस्तों, 20 सेकंड। लेकिन ये 20 सेकंड कब लेती है दोस्तों, जब एक खम्भे को पार करती है। मान लीजिए दोस्तों साथी ये कोई खम्भा है, ये रेलगाड़ी इस खम्भे को 20 सेकंड में पार कर देती है और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे से विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति को। अब देखिए दोस्तों यही रेलगाड़ी है और एक व्यक्ति है दोस्तों, ये व्यक्ति है दोस्तों साथी, इस व्यक्ति के मतलब ये अगर रेलगाड़ी इधर आ रही है तो व्यक्ति इधर जा रहा है, तभी तो दिशा विपरीत है। अब इस विपरीत दिशा में आए हुए व्यक्ति को कितने सेकेंड में दोस्तों, तो 18 सेकेंड में पार कर देती है। इसका मतलब अगर हम T2 का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 18 सेकेंड, 18 सेकंड में पार कर देती है। और इस व्यक्ति की चाल क्या दिया गया दोस्तों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस व्यक्ति की चाल मान लीजिए दोस्तों B2 है, तो B2 का मान क्या है दोस्तों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन की चाल मान लीजिए दोस्तों B1, और B1 का मान सवाल के अंदर पूछा जा रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जब ये ट्रेन इस खम्भे को पार करेगी तब क्या होगा दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होगा दोस्तों, रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी उसी को दूरी लेंगे दोस्तों, क्योंकि खम्भे की लंबाई लिया नहीं जाता है। इसका मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है दोस्तों, L बटे टाइम। इस खम्भे को पार करने में 20 सेकेंड ले रही तो बटे 20 कर लेंगे दोस्तों। ये मान लीजिए दोस्तों इक्वेशन नंबर एक हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी तो देखिए दोस्तों व्यक्ति इधर चल रहा है और रेलगाड़ी इधर चल रही, तो दोनों लोग जल्दी मिल जाएंगे। तो बी रिलेटिव लगाते हैं दोस्तों, तो बी रिलेटिव और होता क्या है दोस्तों, इसका मतलब दोनों चालों को जोड़ देंगे, तो B1 + B2 हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी इतना आपको पता होगा। अब देखिए दोस्तों बी रिलेटिव बराबर होता क्या है, तो बी रिलेटिव बराबर ट्रेन की चाल और व्यक्ति की चाल को जोड़ देंगे तो आपको बी रिलेटिव मिल जाएगा, क्योंकि ये ट्रेन जो है इस व्यक्ति को जल्दी क्रॉस कर जाएगी, जल्दी पार कर जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं दोस्तों। अब इसके बाद काम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल क्या हो गया, ट्रेन की चाल क्या निकाले हैं दोस्तों, तो ट्रेन की चाल निकाले हैं L/20। इसका मतलब L/20 और प्लस, अब देखिए दोस्तों व्यक्ति की चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में और ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 कर देंगे दोस्तों, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों चाल का मान हमको मिल गया, बी रिलेटिव जगह बी रिलेटिव का मान रख दिए। अब चाल बराबर होता क्या है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी क्या बनेगा दोस्तों, तो दूरी बनेगा ट्रेन की लंबाई, दूरी बनेगी, तो दूरी L हो गया दोस्तों L। अब बटे समय कितना लेती है दोस्तों व्यक्ति को पार करने में, 18 सेकेंड लेती है, तो बटे 18 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसी को सॉल्व करके L का मान निकालना है, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों इसके बाद, अब देखिए दोस्तों इन दोनों का गुणा कर देंगे 25 हो जाएगा। एक बार लाइन बढ़ाते हैं, L/20 और प्लस 25/18, और इधर क्या मिल जाएगा दोस्तों, L/18। अब देखिए दोस्तों L एक तरफ करिए और नंबर को इधर लाइए, तो जब नंबर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, L/20, और ये प्लस में इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा L/18, और इधर क्या हो जाएगा, ये नंबर अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -25/18। अब देखिए दोस्तों अगर हम LCM लेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, तो LCM बनता है 180। 180 कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए LCM भी कैसे लिया जाता है दोस्तों, 20/18 कर लेंगे। अब देखिए 2 से कट रहा है, तो 10/9, इसका गुणा इसके साथ करिए दोस्तों, या इसका गुणा इसके साथ करिए तो वही LCM बनेगा, तो गुणा कर देंगे तो 180 LCM बनता है। इसका मतलब इन दोनों के LCM निकालेंगे तो 180 हो जाएगा दोस्तों। इसका भाग लगा देंगे तो 9 बार में, इसका मतलब 9L, और इसका भाग लगाएंगे तो 10 बार में -10L, और इधर क्या है दोस्तों, तो इधर -25/18 है। अब देखिए दोस्तों अगर हम 18 से इसको काटते हैं तो 10 बार में कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो -L बचेगा, इसका मतलब इसके बाद सॉल्व करते हैं, इसके बाद इधर सॉल्व करते हैं, -L बराबर -L/10, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो माइनस 25 हो जाएगा दोस्तों, माइनस से माइनस कट के ख़त्म हो जाएगा, ये इधर आके गुणा हो जाएगा। तेल का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 250 मीटर। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितना थी दोस्तों, तो ट्रेन की लंबाई थी 250 मीटर। लेकिन सवाल के अंदर पूछा क्या गया दोस्तों, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें, तो ट्रेन की चाल अब यही मान इक्वेशन नंबर एक में रख देंगे दोस्तों, तो ट्रेन की चाल आ जाएगी। इसका मतलब अगर हम ट्रेन की चाल निकालते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, तो एल की जगह 250, इसका मतलब एल की जगह 250 रख देंगे दोस्तों, बटे 20 है 20। अब देखिए दोस्तों, ये जो आएगा चाल वो मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया, तो छोटे से बड़े में जाएंगे तो 18/5 कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 0 से 0 काट देंगे, इससे काटेंगे तो 9 बार में, और इससे काटेंगे तो 5 बार में, गुणा करा लेंगे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ट्रेन की चाल क्या थी दोस्तों, तो ट्रेन की चाल थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सबसे पहले जब ये रेलगाड़ी इस खम्भे को पार करेगी तो चाल निकालेंगे, चाल क्या बन जाएगा दोस्तों, चाल बन जाएगा दोस्तों L/20। अब देखिए दोस्तों, जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी तो भी रिलेटिव लगाएंगे, क्योंकि व्यक्ति भी इधर जा रहा है और ट्रेन भी इधर आ रही है, इसका मतलब ट्रेन इस व्यक्ति को जल्दी पार कर जाएगी दोस्तों, तो भी रिलेटिव लगाएंगे, तो भी रिलेटिव लगाएंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, L/20। और प्लस क्योंकि ट्रेन की चाल निकालने क्या है दोस्तों, L/20, तो L/20 प्लस 5, ये व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे दोस्तों, तो ये भी रिलेटिव हो गया, तो चाल बराबर दूरी ट्रेन की लंबाई दूरी बटे समय 18 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रही है बटे 18। अब इसी को काट पीट के आपको क्या करना है दोस्तों, एल का मान निकालना है, तो एल का मान निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 250। अब यही मान इसमें रख देंगे और चाल निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आज का पहला सवाल अब बड़े आराम से सीख गए होंगे, तो नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों साथ ही। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। ये चार ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया RRB JEE 2019 में। अब उम्मीद करते हैं दोस्त इस तरह के सवाल आप बड़े आराम से लगा लेंगे दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों साथी, ये कोई ट्रेन है दोस्तों, ये ट्रेन है, रेलगाड़ी है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों साथी व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये ट्रेन जो है, ये रेलगाड़ी जो है, इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर देती है, तो ट्रेन की जो लंबाई दिया गया दोस्तों वो 110 मीटर दिया गया, 110 मीटर। अब देखिए दोस्तों, इस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, यही समय पूछा जा रहा है, और व्यक्ति की चाल क्या दिया गया दोस्तों, तो व्यक्ति की चाल दिया गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब मान लीजिए B2 का मान सवाल में दिया गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की चाल क्या दिया गया दोस्तों, तो B1 का मान दिया गया दोस्तों सवाल के अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, व्यक्ति भी ट्रेन अगर इधर चल रही तो व्यक्ति भी उधर जा रहा है, इसका मतलब दिशा विपरीत है, तो जब दिशा विपरीत होता है तो भी रिलेटिव लगाएंगे, तो चालों को जोड़ देंगे, इसका मतलब B1 और B2 को जोड़ देंगे, तो चाल बराबर होता क्या है दोस्तों, दूरी बटे समय, तो चाल निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 66 हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटे में बड़ा पैमाना है, छोटे में जाएंगे तो 5/18 कर लेंगे दोस्तों, ये चाल हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, चाल बराबर तो दूरी, दूरी क्या है दोस्तों, 110 मीटर है, तो 110, और समय सवाल के अंदर पूछा जा रहा है, टी का मान पूछा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, 110 है, 110 रख लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको काट पीट के आंसर निकालना है, तो 11 से अगर हम काट देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 11 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 6 से अगर इसको काटेंगे 3 हो जाएगा दोस्तों, इससे ये काटेंगे दोस्तों 5 से तो 2 हो जाएगा, इसका जाके गुणा हो जाएगा, तो टी का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 6 सेकेंड। इसका मतलब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार कर देगी। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर B। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे, तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ये चार ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया बैंक PU 2019 में। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे कोई रेलगाड़ी है दोस्तों साथी, ये रेलगाड़ी है दोस्तों, ये रेलगाड़ी, यहाँ पे कोई व्यक्ति है दोस्तों, ये इस व्यक्ति को दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर रेलगाड़ी इधर चल रही है तो व्यक्ति भी इधर चल रहा है, इसका मतलब दिशा विपरीत है, तो चालों को जोड़ देंगे दोस्तों। ट्रेन की चाल क्या दिया गया दोस्तों, तो B1 का मान दिया गया 84 किलोमीटर प्रति घंटा,
84 किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति की चाल, इसका मतलब B2 का मान क्या दिया गया है दोस्तों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। अब देखिए दोस्तों, इस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाती है, इसका मतलब T का मान दिया गया 4 सेकंड में पार कर जाती है। अब पूछा गया रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब दिशा विपरीत है, रिलेटिव लगाएंगे, चालों को जोड़ देंगे, इसका मतलब 84 और 6 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 90। अब देखिए दोस्तों, चाल मिल गया, दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई दूरी होगी, समय क्या दिया गया है दोस्तों, 4 सेकंड, तो 4। अब देखिए दोस्तों, ये जो 90 रखे हैं ये किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन ऑप्शन मीटर में, इसका मतलब छोटे पैमाने में जाना है, तो छोटे में जाने के लिए 5/18 कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 18 से इसको काटते हैं 5 बार में, अब देखिए 5 में 5 का गुणा कर लेंगे 25, अब ये एक भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 25 चौका 100, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 100 मीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल अब बड़े आराम से समझ गए होंगे, तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने वाले एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगी, ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया UPSI 2017 में। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई ट्रेन है दोस्तों साथी, ये कोई ट्रेन है। अब ट्रेन मान लीजिए दोस्तों, ट्रेन अगर इस दिशा में जा रही है तो एक व्यक्ति है दोस्तों, ये ट्रेन जिस दिशा में जा रही है व्यक्ति भी उसी दिशा में दौड़ रहा है, इसका मतलब व्यक्ति भी इसी दिशा में दौड़ रहा है, तो ये ट्रेन इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी दोस्तों, यही पूछा गया है। तो टी का मान सवाल के अंदर पूछा जा रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ट्रेन की लंबाई 500 मीटर दिया गया है, इसका मतलब एल का मान 500 दे दिया गया है दोस्तों। ट्रेन की चाल क्या दिया गया है, तो B1 का मान क्या दिया गया है दोस्तों, 76 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, 76 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की चाल क्या दिया गया है दोस्तों, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति रफ्तार से दौड़ रहा है। अब देखिए दोस्तों, व्यक्ति अगर इस दिशा में जा रहा है और ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है, इसका मतलब दिशा समान है, तो जब दिशा समान होता है तो रिलेटिव लगाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, B1 - B2। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब भी रिलेटिव लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, B1 - B2 होता है, जब एक ही दिशा में जाएंगे दोस्तों, इसका मतलब व्यक्ति जिधर जा रहा है, ट्रेन भी अगर उधर जा रही है, तो दिशा समान हो गया, तो दिशा समान होता है तो भी रिलेटिव लगाते हैं B1 - B2, लेकिन अगर दिशा विपरीत होता है दोस्तों तब भी रिलेटिव लगाते हैं, तब क्या होता है दोस्तों, तो B1 + B2 होता है, जब दिशा विपरीत होता है, इसका मतलब अगर ट्रेन इस दिशा में आ रही है और व्यक्ति भी इसी दिशा में जाता है तो दिशा विपरीत हो जाता है दोस्तों, तब ये वाला काम करते हैं, लेकिन अगर दिशा समान होता है तब ये वाला काम करते हैं, इतना पॉइंट आप ध्यान रखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, हमको सवाल के अंदर चाल मिल गया, चाल दिया गया है और दूरी दी गई है, हमको समय निकालना है, तो अब चाल बराबर होता क्या है दोस्तों, दूरी बटे समय। तो देखिए दोस्तों, अब भी रिलेटिव लगाएंगे तो चालों को घटा देंगे, तो इसका मतलब 76 में से अगर हम 16 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, 0 60 मिल जाएगा, इसका मतलब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे में बड़ा पैमाना है दोस्तों, छोटे में जाना है तो 5/18 कर देंगे दोस्तों इक्वल। अब देखिए दोस्तों, दूरी क्या है, 500 मीटर है, तो 500 मीटर की दूरी है दोस्तों, टी का मान पूछा जा रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर 1 0 से 1 0 काट दें और इससे ये काट दें 3 बार में दोस्तों, और 5 से अगर इसको काट दें 10 बार में, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये इधर आके गुणा हो जाएगा और ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो टी का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 30 सेकेंड, इसका मतलब 30 सेकेंड में ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर देगी। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल अब बड़े आराम से सीख गए होंगे, तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, पूरा वीडियो देखने के बाद दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें दोस्तों साथी। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल क्या है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई ट्रेन है दोस्तों साथी, ये कोई ट्रेन है दोस्तों, अभी ट्रेन जिस दिशा में जा रही है, मान लीजिए दोस्तों ट्रेन इस दिशा में जा रही है तो व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है, तो मान लीजिए दोस्तों ये व्यक्ति है दोस्तों साथी, व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है, तो ट्रेन की लंबाई क्या दिया गया दोस्तों, 250 मीटर, तो 250 मीटर हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ट्रेन की चाल B1 का मान सवाल के अंदर पूछा गया है, अब B2 का चाल, व्यक्ति की चाल क्या दिया गया दोस्तों, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है,
दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों टाइम कितने सेकंड में ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर देती है, तो टी का मान दिया गया दोस्तों 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड। अब देखिए दोस्तों व्यक्ति अगर ट्रेन इधर जा रही है और व्यक्ति भी इधर जा रहा है, इसका मतलब दिशा समान है, तो भी रिलेटिव लगाएंगे तो चालों को घटा देंगे। इसका मतलब है दोस्तों B1 - 10 इक्वल। अब देखिए दोस्तों चाल बराबर दूरी क्या दिया गया है दोस्तों 250 बटे समय कितना है दोस्तों 20 सेकेंड है, तो 20 ले लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में रखा गया है, ये जो पैमाना रखा गया है मीटर पर सेकेंड में रखा गया है, तो छोटे से बड़े में जाना है, तो बड़े वाले नंबर को ऊपर और छोटे वाले नंबर को नीचे। अब देखिए दोस्तों आपको कट करना है, 0 से 0 कटा लेंगे, इससे कटाएंगे 5 बार में, इससे ये कटा देंगे 9 बार में, अब गुणा कर लेंगे तो 45 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 10 ये माइनस में है, अगर इक्वल की धारा आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब B1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 45 और प्लस 10, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ट्रेन की चाल क्या थी दोस्तों, तो ट्रेन की चाल थी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथ ही। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक ट्रेन 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 30 सेकेंड में पार किया, तथा उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे एक आदमी को 20 सेकेंड में पार किया, एक्स का मान है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया है SSC CGL TA 2 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी, और बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मान लीजिए दोस्तों ये कोई ट्रेन है दोस्तों साथी, मान लीजिए दोस्तों ये कोई ट्रेन है। अब इस ट्रेन की लंबाई क्या दिया गया दोस्तों, तो ट्रेन की लंबाई नहीं दिया गया तो मानते हैं ये। अब देखिए दोस्तों इस ट्रेन की चाल भी नहीं दिया गया है, तो B1, लेकिन B1 का मान क्या दिया गया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसका मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये ट्रेन चलती है। अब देखिए दोस्तों ये मान लीजिए कोई प्लेटफार्म है दोस्तों, ये प्लेटफार्म है, इसका मतलब P है, प्लेटफार्म है। प्लेटफार्म की लंबाई कितना है 200 मीटर, इसका मतलब L2 का मान दिया गया है दोस्तों 200 मीटर। इस प्लेटफार्म को 6 सेकेंड, इस प्लेटफार्म को 30 सेकेंड में पार कर देती है दोस्तों, इसका मतलब T1 का मान क्या दिया गया है दोस्तों 30 सेकेंड दिया गया है, 30 सेकेंड ले लेते हैं। लेकिन यही ट्रेन इस, मान लीजिए दोस्तों ये ट्रेन इस दिशा में चल रही है और एक व्यक्ति है दोस्तों, व्यक्ति भी उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है, इसका मतलब व्यक्ति भी इसी दिशा में चल रहा है। अब देखिए दोस्तों इस व्यक्ति की ट्रेन की चाल तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया, अब इस व्यक्ति की चाल क्या दिया गया है दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब B2 का मान दिया गया है दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस व्यक्ति को कितने सेकेंड में पार करती है दोस्तों, तो 20 सेकेंड में पार करती है, इसका मतलब T2 का मान दिया गया है दोस्तों 20 सेकेंड दिया गया है, तो 20 रख देंगे दोस्तों, 20 सेकेंड में पार कर देती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अभी तक हम बोर्ड पे जितना लिखे हैं वो सवाल के अंदर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों अगर ये ट्रेन इस प्लेटफार्म को पार करेगी तब क्या होगा दोस्तों, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ट्रेन की चाल क्या है दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्स इसका मतलब चाल हो गया दोस्तों। अब जब इस प्लेटफार्म को पार करेगी दोस्तों जब ये ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे तो दूरी बनेगा, इसका मतलब L+200 अब बटे टाइम कितना लेती है दोस्तों प्लेटफार्म को पार करने में 30 सेकेंड लेती है, तो बटे 30 कर देंगे दोस्तों। ये मान लीजिए दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर एक हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तब क्या होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ट्रेन भी इसी दिशा में चल रही है और व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है, दिशा समान है, तो रिलेटिव लगा देंगे, इसका मतलब चालों को जोड़ देंगे दोस्तों, तो सॉरी चालों को घटा देंगे, क्योंकि दिशा समान है तो चालों को घटा देंगे, इसका मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, इसका मतलब X-6 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चाल हो गया, दूरी क्या बनेगा दोस्तों, तो ट्रेन की लंबाई, क्योंकि व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति की लंबाई नहीं लेंगे, तो L बटे टाइम कितना लेती है दोस्तों 20 सेकेंड लेती है, तो बटे 20। ये मान लीजिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 में X का मान रखने पर, तो जब इक्वेशन नंबर 2 में X का मान रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब X की जगह हम क्या रख सकते हैं दोस्तों L+200/30 ये रख सकते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों ये जो 6 रखे हैं ना, ये किलोमीटर, देखिए दोस्तों पहले लाइन बढ़ाते हैं, तो लाइन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, X की जगह X का मान रख देंगे, इसका मतलब X का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा L+200/30। अब -6 है तो -6 बराबर इधर क्या आएगा दोस्तों L/20।
अब देखिए दोस्तों, ये माइनस सिक्स है, अगर इक्वल की इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये एल अलग तरफ करेंगे तो ये प्लस है तो इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब एल प्लस 200 बटे 30 और माइनस एल बटे 20, और इधर क्या जाएगा दोस्तों, प्लस 6 आ जाएगा क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस लगाएंगे नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये 6 जो है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। देखिए दोस्तों, व्यक्ति की चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो अगर बड़े पैमाने छोटे पैमाने में जाते हैं तो यहाँ पे क्या काम कर लेंगे दोस्तों, 5/18 कर लेंगे तो छोटे पैमाने में करोड़ हो जाएगा। इससे अगर ये काट देंगे दोस्तों 3 बार में, अब देखिए दोस्तों इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 60 बन जाएगा। इसका भाग लगाएंगे तो 2 बार में, तो इसका मतलब 2L और प्लस इसमें 400 और माइनस है तो माइनस, इसका भाग लगाएंगे 3 बार में, इसका मतलब -3L, और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5/3 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 3 से 60 काट देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों, 20 बन जाएगा। अब ये घटा देंगे दोस्तों, तो घटाएंगे 3L में से अगर 2L को घटा देंगे तो -L बचेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसका इधर आके गुणा हो जाएगा तो गुणा कर देंगे तो 100 बन जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये 400 प्लस इक्वल की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। एक बार लाइन बढ़ा देते हैं दोस्तों, ये गुणा हो जाएगा तो 100 बन जाएगा -400। अब देखिए दोस्तों, ये माइनस वाला नंबर बढ़ा है तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसका मतलब इधर आएगा -300, इधर आया -L, इसका मतलब माइनस से माइनस कट के ख़त्म हो जाएगा। तो L का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 300 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई क्या आएगी दोस्तों, 300 मीटर। अगर सवाल के अंदर ट्रेन की लंबाई पूछा गया होता तो 300 मीटर आपका आंसर हो जाता, लेकिन सवाल के अंदर पूछा गया क्या गया, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मतलब ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। अब यही मान चाहे इक्वेशन 1 में रखिए, 2 में रखिए, उसके बाद आप सवाल को लगा लीजिए। तो L का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, तो जब मान रखेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 200 है और 300 है तो जोड़ देंगे दोस्तों 500, इसका मतलब है 500/ क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब जब हम x का मान निकालेंगे तो 500/30 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो आंसर आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन हमको आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो बड़े पैमाने में जाना है तो 18/5 कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, 0 से 0 काट देंगे, इससे काटेंगे तो 10 बार में, इससे काटेंगे तो 6 बार में, गुणा कराएंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की चाल क्या थी दोस्तों, तो ट्रेन की चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि विपरीत दिशा में चल रही एक महिला को रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की चाल क्या है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया SSC CGL 2019 में, बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई ट्रेन है दोस्तों, ये कोई रेलगाड़ी है दोस्तों साथी। ये रेलगाड़ी पहले एक व्यक्ति को पार करती है, व्यक्ति जब रेलगाड़ी की दिशा में चल रहा है, इसका मतलब मान लीजिए दोस्तों ये कोई व्यक्ति है, अब व्यक्ति अगर इस दिशा में चल रहा है तो रेलगाड़ी भी इसी दिशा में चल रहा है, इसका मतलब दिशा समान है। अब देखिए दोस्तों, इस ट्रेन की चाल क्या दिया गया है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी मानते हैं दोस्तों, बी का मान दिया गया 44 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस व्यक्ति की चाल क्या दिया गया दोस्तों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब B2 का मान दिया गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, B2 का मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है दोस्तों, 15 सेकंड में, इसका मतलब T1 का मान दिया गया 15 सेकंड में पार करती है। अब देखिए दोस्तों, जब इस व्यक्ति को पार करेगी तब क्या होगा दोस्तों, सवाल के अंदर ट्रेन की लंबाई नहीं दिया गया, तो सबसे पहले ट्रेन की लंबाई निकालते हैं, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए दोस्तों, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालों को घटा देंगे, इसका मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 44 में से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा, इसका मतलब 44 में से इसको घटा दिए, चाल का मान क्या है, चाल बराबर दूरी, क्योंकि विरेलिटी है तो विरेलिटी लगा देंगे दोस्तों, तो चालों को घटा देंगे, B1 - B2 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 44 में से 8 को घटा दिए तो 36 चाल आ गया दोस्तों, चाल बराबर दूरी क्या है दोस्तों, L बटे समय क्या है दोस्तों, 15 सेकेंड, तो बटे 15। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 36 रखे हैं ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 कर लेंगे दोस्तों, इससे काट देंगे दोस्तों 2 बार में। अब नहीं कटेगा तो देखिए दोस्तों, 5 × 2 = 10 और 15 इधर जाके गुणा आ जाएगा, तो L का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 150 मीटर,
इसका मतलब ट्रेन की लंबाई निकालने की आया है दोस्तों। ट्रेन की लंबाई आई 150 मीटर। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई महिला है दोस्तों साथी, ये कोई महिला है। सवाल का अगला कंडीशन क्या कह रहा है, एक महिला को कितने सेकंड में पार करती है, तो एक महिला को 10 सेकंड में पार कर देती है ये ट्रेन। इसका मतलब टी टू का मान क्या दिया गया दोस्तों, 10 सेकेंड दिया गया है। टी टू का मान 10 सेकेंड दिया गया, लेकिन महिला ट्रेन की दिशा में, महिला अगर ट्रेन इस दिशा में चल रही तो महिला भी इसी दिशा में जा रही। इसका मतलब दिशा क्या है दोस्तों, विपरीत है, विपरीत दिशा में। इसका मतलब अगर ट्रेन इस दिशा में जा रही है तो महिला इस दिशा में जाएगी, तभी तो दिशा विपरीत होगा। तो जब दिशा विपरीत होगा भी रिलेटिव लगाएंगे तो चालों को जोड़ देंगे। तो इसका मतलब है दोस्तों 44 और प्लस महिला की चाल मान लेते हैं दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ट्रेन की लंबाई दूरी बनेगी, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी दोस्तों, 150 मीटर। 150 मीटर कि इस महिला को कितने समय में पार करती है दोस्तों, 10 सेकेंड में, तो बट्टे 10 कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 18/5 हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में रखा गया है, तो हमको आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटे में निकलना है। अब देखिए दोस्तों, ये भी किलोमीटर में हो गया, और ये 44 जो रखें ये किलोमीटर प्रति घंटे में रखें, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में। अब आपको काट पीट करना है, 1 जीरो से 1 जीरो कटा लेंगे दोस्तों, इससे कटाएंगे तो 3 बार में। अब देखिए दोस्तों, इसका गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आता है 44 और प्लस x, और इधर कर देंगे तो 54 आ जाएगा दोस्तों, 54 आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, प्लस में इक्वल की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 54 में से 44 को घटा देंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब उस महिला की चाल क्या थी दोस्तों, तो उस महिला की चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। एक बार देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको फिर से बता देते हैं दोस्तों। जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी निकालते हैं, तो देखिए दोस्तों, अब इस व्यक्ति को पार करेगी तो क्या होगा दोस्तों, अब दोनों दिशा समान है तो बिरेलिटी लगा देंगे। इसका मतलब ट्रेन की चाल में से व्यक्ति की चाल को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 36। तब ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे, तो ट्रेन की लंबाई निकालेंगे 150 मीटर आ जाएगा। और जब व्यक्ति इस महिला को, जब ये रेलगाड़ी इस महिला को प्यार करेगा तो दिशा विपरीत हो गया, तो बिरेलिटी लगाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब दूरी बटे समय, अब ये मीटर पर सेकंड में है, बड़े पैमाने में जाना है, तो 18/5 काट पीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गएंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। और देखिए दोस्तों, अगर प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों साथी, जल्दी से नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तो थैंक यू दोस्तों।